हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? देखिए, किसी भी तरह की सोशल एंटरप्राइज, चाहे वो एनजीओज हो या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है उनके टेक्निकल एज वेल एज़ जो भी ह्यूमन रिसोर्स और बाकी जो एक्टिविटीज़ होते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़, उसको कैरी ऑन करने के लिए। तो उसी में आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज रिलेट करता है कि ये हेल्प करता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा उठाने में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि आपको बताना हो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए ताकि ये सक्सेस हो सके इंडिया में। तो ये तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जैसा मैंने कहा, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे सोशल एंटरप्राइज, वॉलंटियर ग्रुप्स या फिर जो डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद को लिस्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू फिर कैपिटल यानी कि मनी उठा सकते हैं फ्रॉम द मार्केट, मतलब जैसे बाकी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो कंपनीज खुद को इन्वेस्ट करती है और फिर पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है, उसी तरह ये एक तरह से इनोवेशन है जिसमें अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज इसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो जो सेबी है उसने एक 15 मेंबर वर्किंग ग्रुप बनाया है इसी के लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे स्टडी करने के लिए। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलमोस्ट उसके नंबर डबल हो चुके हैं, ठीक है, और उनका रोल भी सोसाइटी में इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए इम्प्लीकेशन है बहुत ज़्यादा सोशल स्टॉक एक्सचेंज का सिविल सोसाइटी के लिए। एक तो ये एक तरह का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है और इससे में इसके कारण बहुत सारा अटेंशन गार्नर कर रहे हैं अलग अलग सोशल एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा कि ये जो ये हेल्प करेगा सोशल और वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन को जो कि सोशल काउज के लिए काम कर रहे हैं पैसा यानी इक्विटी उठाने में, ठीक है। तीसरा कि इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा कि उसके पास भी जो रिसोर्स है, गवर्नमेंट टू पुट इन सम रिसोर्स इन द क्रिएशन ऑफ व्हाट वुड बी व्यूड एज फैसिलिटेशन इंस्टीट्यूशन। चौथा कि गवर्नमेंट हमेशा डिस्ट्रस्टफुल रही है कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है किसी एनजीओ को तो वो किस पर्पज़ के लिए आया है, उसका मोटिव क्या है। तो उस सेंस में भी जब इंडिया में खुद एक सोशल एक्सचेंज रहेगा सोशल, तो वहाँ पे वो कैपिटल उठा पाएगी अलग अलग एनजीओस, तो उनको बाहर के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गवर्नमेंट ज़्यादा ईज पे रहेगी इस वजह से, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि ये एक रेडिकल एक्सपेरिमेंट है। छठा है कि इससे क्या होगा कि चीपर सोर्स ऑफ फिनांस, मतलब कि जो भी सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए एक चीप ईजी सोर्स ऑफ फिनांस पैसा मिल जाएगा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो भी कंसिडर करना चाहिए टू मेक दिस नोवल कॉन्सेप्ट इंडिया में सक्सेस करने के लिए? पहले तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वुड हैव टू एस्टेब्लिश प्राइमेसी ऑफ सोशल इम्पैक्ट, मतलब कि उनको बताना पड़ेगा जो भी वो एक्शन या कार्य या एक्टिविटी कर रहे हैं उससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा उसको करना होगा, उसको मेजर करना पड़ेगा। दूसरा कि ये एक तरह से है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन इन कॉर्पोरेट फॉर्म, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म दैट क्रिएट्स अ सोशल इम्पैक्ट एज पार्ट ऑफ द बिजनेस कैन बी कंसिडर्ड अ नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, मतलब कि एक तरह से क्या आप कंसिडर करोगे कि एक सोशल एंटरप्राइज है, एक सोशल वेलफेयर वाली एक्टिविटीज़ है, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है। क्योंकि कुछ कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी कहते हैं कि हम ये सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये बहुत एक स्मॉल ग्रे एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपेरेंसी की बात, कि जो भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्ट ले रही हैं, जो भी ग्रुप्स उसमें पार्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट है कि इट आल्सो रिस्क एलिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हुज एफर्ट और इम्पैक्ट मे नॉट बी अमेनेबल टू एडिक्वेट डाटा कैप्चर, मतलब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो काम है वो डाटा के थ्रू आप नहीं कैप्चर कर सकते, उसको समझना या मेजर करना आसान नहीं है, जैसे कि एनवायरमेंटल जस्टिस हो गया, डिजिटल राइट्स हो गया। तो इस पर रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस काम कर रही है उसको आप कैसे मेजर करोगे। नेक्स्ट है कि जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसमें प्रोटोकॉल दिया गया है फॉर सोशल ऑडिटर, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि एक मिडिल मैन, मतलब कि कोई जिस तरह से हर एक ऐसे एक्टिविटी में एक मिडिल मैन घुस जाता है, ठीक है, जो कि एक फीस लेता है, तो वही सेम केस इसमें भी पॉसिबल है कि मिडिल मैन एजेंसीज माइट इमर्ज,
ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ देखा पॉइंट्स जो कि बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। वे फॉरवर्ड में आप लिखोगे कि कॉमन को जो है नीड्स टू डिस्टिंग्विश इज़ हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोशल एंटरप्राइज एंड अ नॉर्मल एंटरप्राइज। पहले तो पता करना होगा गवर्नमेंट को कि किस सेट ऑफ मेजर से आप ये पता करेंगे कि ये जो एंटरप्राइज है ये सोशल एंटरप्राइज है और दूसरा जो एंटरप्राइज है ये नॉर्मल एंटरप्राइज है। तो आप मेज़र कैसे करोगे? ठीक है, दूसरा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के नाम पे कॉर्पोरेट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी ध्यान देना होगा कि जो CSR फंड है उसका मिसयूज ना हो, ऐसा ना हो कि कंपनीज इसी के थ्रू राउट करे फंड्स। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि आपको सारे स्टेक होल्डर्स, सारे जो भी अलग अलग क्राइटेरिया है उसको अच्छे से कंसिडर करके गवर्नमेंट को इसको लाना चाहिए। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब वैल्यू एडिशन में आप देखोगे तो इसमें वही लिखा हुआ है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें लिस्टिंग किया जाएगा सोशल एंटरप्राइज। फिनांस मिनिस्टर ने इसको बताया है, मूट किया है, और एक वर्किंग ग्रुप भी कंस्टिट्यूट किया गया है SEBI के द्वारा, और इसका चेयरमैनशिप होगा इसात हुसैन के पास। द पैनल वॉज सेटअप बाई SEBI इन September 2019, और इसमें जो चेयरमैन थे जैसा मैंने कहा इसात हुसैन थे। जो रिकमेंडेशन है वो है, पहला कि अलाउ डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कि फंडिंग मैकेनिज्म सजेस्टेड इंक्लूड्स एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म सच एज सोशल वेंचर फंड, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो इस तरह से कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो आपके इनपुट है इस जो चेयरमैनशिप, ये जो कमिटी बनी थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इसात हुसैन, उन्हें उन्हें दी है। नेक्स्ट है कि नीड क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। पहला तो ये हेल्प करेंगी सॉल्व करने में रियल प्रॉब्लम, चाहे वो एडुकेशन रिलेटेड हो, हेल्थ केयर रिलेटेड हो, या फिनांस इंक्लूजन रिलेटेड हो। क्योंकि जब ऐसे NGOs या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से इन इश्यूज़ पे काम कर पाएंगे, चाहे वो एडुकेशन हो, हेल्थ हो, या फिनांशियल इंक्लूजन हो। और ये एक तरह से पॉजिटिव सिग्नल भी देता है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर के बारे में भी केयर करती है। देखो, हर काम गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती, वो बहुत सारे काम में NGOs इन्वॉल्व होती है और गवर्नमेंट भी इन NGOs का हेल्प लेती है। तो जब गवर्नमेंट सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसे आइडिया को इम्प्लीमेंट करती है या सोचती है उस बारे में, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि उनको ज़्यादा विजिबिलिटी और कैपिटल रेज करने में भी हेल्प होगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को। इस तरह से हमने देखा जो भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज का फ़ायदा। अब ग्लोबल एग्जांपल देखें तो UK में है सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन लंदन, ठीक है, केनिया में है केनिया सोशल स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज, तो जो कि 2011 में लाया गया। उसी तरह कनाडा में भी है, सिंगापुर में भी है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड इस इनोवेशन को यूज़ किया जा रहा है और इंडिया भी यूज़ कर सकता है। लेकिन इसके कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तो लैक ऑफ क्लैरिटी कि क्या आप किन ऑर्गेनाइजेशन को सोशल एंटरप्राइज मानते हो। दूसरा कि ये भी क्लैरिटी नहीं है कि हाउ अ स्टॉक एक्सचेंज विल हेल्प रेज कैपिटल फॉर वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे करके कुछ कुछ इसमें कमियाँ हैं जो कि गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।